मेरे साथ मौजूद है एक बहन फौजिया खान जो कि रिक्शा ड्राइवर हैं। आपको डोनेशन आती है, आपने अपनी बहन के अकाउंट में रख दिए, तो उन्हें तो चाहिए था ना कि आपके पैसे आपको वापस कर देते, क्यों नहीं किए? वो हर किसी को ऐसी इसी तरह लूटती है। इन्होंने मेरे सलवार उतार दी, मेरी कमीज उतार दी, मेरे बच्चों के सामने, मेरे बहनोइयों ने मुझे मारा, यहाँ तक मेरे भाई ने भी मुझे मारा। मुझे मेरी छोटी बहन आती मुझ पर कपड़ा डाल रही थी, उन्होंने उसको भी मारा, किसी पे कपड़ा मत डालो। इनको पाल के, इनको पढ़ाया भी, इनको लिखाया भी, इनकी शादियां भी कराई हैं। आज ये मेरे पैसे भी अपने पास रख के मुझे बरहना करे, पर क्यों? मेरी अपील है हाथ जोड़ के सबसे कि खुदा रहा ये बंद करें, जो उन बरहना किसको करता है उसको मंजिल आम पे लेके, उनको बच्चों के सामने नंगा कर। मैं रोज मेरे बच्चों के सामने शर्मिंदा होती रहती, मेरे बच्चों के सामने मुझे बरहना करके मारा सिर्फ पैसों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, ज़ुल्मो सितम की इंतहा होती जा रही, हमारे मुआशरे में लोग जाहिलियत पर उतर आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक बहन फौजिया खान जो कि रिक्शा ड्राइवर हैं। ये मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। इनके कुछ देर पहले कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जिसे देखने के बाद इन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कुछ दूसरे लोग डोनेशन भेजते हैं। इनका आईडी कार्ड का इशू था, इन्होंने अपना अकाउंट नहीं बनाया, इन्होंने अपनी बहन के अकाउंट में वो सारे पैसे जमा करवा दिए, वो रकम काफ़ी ज़्यादा थी। अब एक हफ़्ता पहले जब ये पैसे लेने अपनी बहन के पास जाती हैं तो बजाय इसके कि इनकी अमानत इन्हें वापस करें, इन्हें मारपीट करते हैं, बरहना करके इनकी वीडियोज़ बनाते हैं और डराते धमकाते हैं। क्या मामला थे, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? बस अल्लाह का शुक्र, मैं जी रही हूँ। मुझे बताइएगा कि मामला शुरू कहाँ से हुआ कि आपको डोनेशन आती है, आपने अपनी बहन के अकाउंट में रख दिए, तो उन्हें तो चाहिए था ना कि आपके पैसे आपको वापस कर देते, क्यों नहीं किए? उसने नहीं करने, वो इसी तरह करती है, वो हर किसी को ऐसी इसी तरह लूटती है। क्योंकि मैंने तो इतबार किया था कि चले बुशरा अपना अकाउंट बनाओ, मेरा 4 लाख रुपये रख दे, मैं मकान लूँगी, कुछ और हेल्पें आएंगी तो मैं कोई मकान, 4 लाख में तो आपको पता मकान नहीं आता, तो इसको मैंने दिए। इसने मुझे, जब मैंने इसे मांगे तो मैं जो मेरे पैसे लुटाओ, इसने जी मुझ पर उल्टा मेरे साथ इसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को गंदी गंदी गाली निकाली, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। फिर करते करते सी कुछ नाजेबा तस्वीरें थी मेरे भाई के पास, वो इन्होंने बुशरा की नाजेबा तस्वीरें आपके भाई के पास थी? हाँ जी, ये होती भी घर से भाग गई थी, इसने नाजेबा तस्वीरें उतारी थी, तो इसने भाई के साथ मिलकर, दूसरी बहन के साथ मिलकर मुझे सेंड करके मुझे गालियाँ निकाली। मैंने इसका जवाब दिया, मैं कहा तुम मुझे, मैंने कहा ये तुम्हारी तस्वीर आई मेरे पास, ये अपनी संभालो। मेरे पास वो तस्वीर आई थी, उसके अलावा मैंने इनको कोई बात नहीं कही। कभी मुझे धमकी FIA की देती है, कभी मुझे किस चीज़ की धमकी देती है, मैं कहती चलो मैं चली भी जाती। यानी कि आपका कहना है उन्होंने खुद तस्वीर बनवाई और इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं? ये तस्वीरें जब मैं मलेशिया में थी तब की इनके पास तस्वीरें, मुझे तो अब नज़र आई हैं वो तस्वीरें, मेरे पास तो नहीं थी, वो तो आमिर के पास और शाजिया के पास और बुशरा के पास थी। ये आमिर कौन है? आमिर मेरा भाई है, उसने मुझे 5 लाख देना, इसकी शादी मैंने करवाई मेरी माँ ने मेरे मिंद की, अल्लाह ताला मेरी माँ को जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उसको कब्र के हिसाब से बचाए, वो अपने रास्ते पे मैं अपने रास्ते। मेरी माँ ने आके मिन्त की और ये साथ है, इन्होंने कहा हम पैसे देंगे तुझे, अम्मी ने कहा ये तुझे देगा, अगर नहीं देगा तो ये जो मकान में सके इसको, अगर मुझे कुछ होता है जो हिस्सा होगा ये हिस्से में से सबसे पहले तुझे पैसे देगा। तो इसने कहा यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, जो आपको डोनेशन आई उन पैसों से आपने अपने भाई की शादी कर दी? हाँ जी, 5। तो वो पैसे जो थे वो आपको वापस नहीं कर रहे थे? इधर से एक मसला बन गया बुशरा की तरफ भी पैसों का, उधर बन गया आमिर की तरफ से पैसों का, और जो है ना किरण जो बनी हुई है, अपना नाम किरण बताते हैं, इसका नाम मुनव्वर सुल्ताना, ये आफसाबाद में नहरें हैं वहाँ पर रहती है, इसकी साथ बेटी है मानो ईमान फातिमा, इसका शौहर है वकार, उसका बेटा है काजम। इन्होंने कहा क्या कहती है कि बुशरा मैं तेरी सलवार उतारनी तू तेरी कमीज़ उतार, तो देखा गया साढ़े को कड़े पैसे लड़े, चल सबूत लिया। इन्होंने मेरे सलवार उतार दी, मेरी कमीज उतार दी, मेरे बच्चों के सामने, मेरे बहनोइयों ने मुझे मारा, यहाँ तक मेरे भाई ने भी मुझे मारा। मुझे मेरी छोटी बहन आती मुझ पर कपड़ा डाल रही थी, उन्होंने उसको भी मारा, किसी पे कपड़ा मत डालो। पहले मैंने उनका जो पट्टा मारा, मैं कहा तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं? तो इनको मना करने बजाय तुम मानो वीडियो बना रही है, कहते अभी तुम्हारी कैसी को ऐसी जगह से मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी तुम देखना तो बड़ी व्लॉगर बनी हुई हो, तुम्हें स्नैक वीडियो में डालेंगे हम, तुम्हें पता नहीं कितने कितने डाले। मैं कहा ठीक है, मैं कहा जाओ बताओ सबको, सबको नज़र आ जाएगा कि आप मेरे कपड़े उतारे और मुझे मारे हो।
यानी कि जब आपने पैसों का मुतालबा किया तो बजाय पैसे वापस करने के उन्होंने आपसे ज्यादती की। जी ज्यादती की और मेरी माँ के घर में और चालीसवें पे की, बकायदा इन्होंने ड्रिंकें की, इन्होंने शराबें पी चालीसवें पे। कभी मैंने भी नहीं आज तक सुना था ना मैंने देखा, मैंने अपने घर में देखा। मैंने वहाँ से मुखालत करते करते मैंने कहा मेरे पैसे तो दे दो मैंने, मैं चली जाती मेरी तो माँ तो घर आवाँगी, उसका आप इधर नहीं आओगे। यानी उन्होंने मुझे इतना को अपनी तरह से टॉर्च कर थे मुझे, मैं मर गई, मेरा ये सांस बंद हो गए थे, मेरे दिल में दर्द होने लग पड़ी। ये बुशरा और चीना की वजह से किरण जो है बनी हुई, चीना भी इसका नाम है, इसका नाम किरण भी है, इसके पता नहीं क्या क्या नाम इसने रखे हुए हैं, असल इसका नाम मुनव्वर सुल्ताना है। और इसने और वकार ने बुशरा का जो दूसरा शौहर है जिसने तलाक दी है, जो हमीद है कारी बना हुआ मस्जिद में, उसने और मेरे आमिर भाई ने और मेरी बहनों सब ने मुझे मारा, उनके बेटों ने, हारिस ने, शाजिया ने, इन्होंने मुझे बरहना किया, असद ने मुझे मार मार के इन्होंने मेरा हशर किया, मेरे बेटे के मुंह पे चपेड़े, मेरी बेटी मुझे कहती मामा मेरी तरफ देखो, मेरी बेटी के मुंह पे चपेड़े लगाए, मेरे बच्चों ने जब शोर मचाया इन्होंने कहा कि चुप करो मोहल्ले दार, इकट्ठे उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, मेरी अम्मी के मोहल्लेदार उन्होंने कहा चले जाओ इधर से कोई तमाशा लगा हुआ है, फिर कहते हैं मेरे बच्चों कहते इसको इधर से लेके जाओ। तो मैं आपके सगे बहन भाई हैं, पता नहीं मुझे नहीं अभी ये पता नहीं, मेरे ये सगे बहन भाई नहीं लग रहे हैं, तो मेरे सगे बहन भाई, मैं इनसे बड़ी थी, मैंने इनको पाला भी है, हमने मेहनतें भी की, सिलाइयाँ भी करते रहे, हम गाने बनाते थे, लोगों के सारे कपड़े सिलाई करते थे, इनको पाल के इनको पढ़ाया भी, इनको लिखाया भी, इनकी शादियाँ भी कराई हैं, आज ये मेरे पैसे भी अपने पास रख के मुझे बरहना कर रहे, पर क्यों क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा शोहर नहीं मेरे सर पे, मैं बेवा हूँ, मैं अपनी मेहनत करती हूँ, मैं इनके जैसे गंदी तस्वीरें नहीं उतारती, मैं लोगों को ब्लैकमेल नहीं करती, मैं कसम खा कहती हूँ मुझे सारी दुनिया जानती है, मुझे सारे लोगों के मेरे पास नंबर है, मुझे अगर कोई भी गलत तस्वीर सेंड कर भी देता है व्हाट्सएप पर, क्योंकि मेरा मीडिया पर नंबर पूरे पाकिस्तान पूरे मुल्क में पूरे वर्ल्ड में चला हुआ है, मुझे कोई गंदी तस्वीर सेंड करता भी ना, मैं उस बंदे को अल्लाह पाक की कसम, मैं उस बंदे को ही ब्लैक लिस्ट पर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक सीधा रास्ता रखा हुआ है, मुझे बड़े बड़े ऑफर भी करते, बड़े अच्छे लोग हैं, तो दुनिया बुरी भी है, पर मैं कहती हूँ जितने ये बुरे ना मुझे शर्म आती है इनको बहन भाई कहते हुए, मैं कहती लानत इन पे जो माँ के मरने पे ड्रिंक करके अपनी बड़ी बहन को बरहना करके वीडियो बनाए और धमकियाँ दे कि जाओ इधर से, अब तुम नया तो जाओ, हम तुम्हारा मीडिया और तुम्हारी पुलिसें भी देख रहे हैं। मैंने तो पुलिस की कोई बात नहीं की थी ना मैंने मीडिया की बात की थी। तो फिर आपने पुलिस स्टेशन में FIR या दरख्वास्त दी? मेरे बेटे ने 15 पे कॉल भी की थी, ये आपको अरहम भी बताएगा, और जो जो उस टाइम उधर गवाह थे वो भी मेरे साथ है, छोटे बच्चे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ये बाकी आपको अरहम बताएगा उनको पुलिस वाले क्या करते, क्योंकि मुझे तो दिल का अटैक आ गया था। फिर इन्होंने मुझे जंप किया, मेरे मुंह में फूंके मारे, वो शराब के मुंह की इनके में से स्मेल आ रही थी, मुझे जब सांस आया इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे जंप करते रहे, जब मेरे सांस बाहर निकले तो फिर इनको कहते अपनी मम्मा को लेकर जैसे जाओ, मैंने कहा मैंने इतना अपने भाई को कहा, मैं कहा अमर मुझे दर्द हो रही है मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, ये मुझे इधर नवाशी हॉस्पिटल ले गए रात को, वो मेरे पास पर्ची भी वहाँ पे उधर जाते मेरे इन्होंने दिल पे सारी लगा ली ना लिए हाथों में पैरों पे, इन्होंने वहाँ पे मेरे दिल की धड़कन चलने लग पड़ी थी। फिर उन्होंने मुझे टीके वगैरह लगाए, मैंने उनको कहा भी है, मैं कहा भाई इन्होंने मुझे मारा है, मैंने उनको कहा हॉस्पिटल वालों को बताया कि मेरे भाई बहन ने मुझे मारा है, इन्होंने मुझे मारा है, मुझे सीरियस अटैक आया, उन्होंने कहा बच्चों को कहते हैं आपने मम्मा को टेंशन, मैं कहा नहीं मुझे इन्होंने मारा है, मेरे भाई ने मेरे बच्चे बताने लगे, मेरे भाई ने उधर कहते जाओ जाओ तेरी मम्मा देखे तबीयत खराब हुई है तो तेरी मम्मा फिर मर जाएगी, तो पुलिस के चक्कर में मेरे बच्चे फिर ये अभी नहीं इनकी उम्र है इतने, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा जासिम बेटे को गोडे पर लगाई वो भी चोट से घर में बैठा, मेरी बेटी के पैरों पर बुशरा ने डंडे मारे, आम डंडा लेके आया, मेरी बेटी का ये नाहून अभी भी जख्मी है, मेरी बेटी 9वीं क्लास में पढ़ रही है, मैंने कहा आप आर्मी जवान वो सब कुछ देख रही है, चीख के मारे इसके मुंह पे चमाटे मारे जिसकी माँ को बरहना के जाते हैं, मैं रोज़ जीती हूँ मैं रोज़ मरती हूँ। मुझे आप ये बताइएगा कि आपने अब पुलिस स्टेशन में कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी या दे दी हुई है, क्या मामला है? दरख्वास्त दी थी, मेरी दरख्वास्त ले नहीं रहे थे, फिर मैंने रब्ता भी किया हुआ है, मैंने अपना वकील भी किया, अब मुझे पुलिस वाले ने फ़ोन भी किया, अब मैंने यहाँ से पुलिस वालों के पास भी जाना है, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने पहले तो रिजेक्ट कर दी थी, अब वो कह रहे आप अपना अपना बयान लिखवाएं, ठीक है ना, तो इंसाफ ज़रूर मुझे मिलेगा, मेरी अपील है हाथ जोड़ के सबसे, पाकिस्तानियों से भी, अपनी हुकूमत पंजाब से भी, इमरान खान से भी, और जितने अहदेदार मुझे देख रहे हैं तो खुदा रहा ये बंद करें, जो उन बरहाना किसको करता है उसको मंजिल आम पे लेके, ये वीडियो बनाना, ये ब्लैकमेल करना, यतीमों के बेवाओं के पैसे खा लें, उनको बच्चों के सामने नंगा कर, ये इनको मेरे मुजरों को अंजाम तक लेंगे, आप लोग मेरा साथ दें, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मैं इस पाकिस्तान में रुल रही हूँ, पता नहीं मैं तो गलती से इनके घर में पैदा हो गई हूँ मैं रोज मेरे बच्चों के सामने शर्मिंदा होती रहती हूँ, मेरे बच्चों के सामने मुझे बरहना करके मारा सिर्फ पैसों के लिए
मैंने कुछ कहा था जी ना, मैं पीछे मेरे दिल पे दर्द होने लग पड़ी है, मेरे ऊपर बैठी है जी। तो नाजरीन, आपने इस दुखियारी माँ की तमाम गुफ्तगू जानी, इंसानियत ख़त्म हो जाती है, खून सफ़ेद हो जाते हैं। सगे बहन भाइयों ने अपनी बहन की इज्जत पामाल की सिर्फ चंद पैसों की खातिर। हमारी भी हुकूमत पाकिस्तान से और आला अहदेदारान से गुजारिश है, अपील है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमसे राबता करें, हम आपकी स्टोरी भी कवर करने के लिए हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मानी।